गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं बना रही हूँ बेसन के चीले के। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च, धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज सब कुछ चॉप कर लिया और अब मैं इसके बनाऊँगी चीले। और फ्रेंड्स, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, मैं रिप्लाई भी करती हूँ लेकिन फिर भी कमेंट आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गोपाल जी के खाने में प्याज लहसुन मैं नहीं डालती। और किसी ने पूछा मटर पनीर, तो मटर पनीर मैं बिना प्याज लहसुन का बनाती हूँ। तो अगर फ्रेंड्स मुझे प्याज लहसुन ही खिलाना होता है तो उनके गोपाल जी के बर्थडे वाले दिन भी मैं खाना बाहर से मंगवा सकती थी, लेकिन मैंने घर में क्यों बनाया, क्योंकि मैं प्याज लहसुन गोपाल जी को नहीं खिलाती। और अगर मुझे कुछ बनाना भी होता है प्याज लहसुन का, तो मैं बिल्कुल बाद में बनाती हूँ और जब तक उनका भूख नहीं लगता मैं हाथ भी नहीं लगाती प्याज लहसुन को। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि बहुत सारे कमेंट आते हैं लेकिन बार बार रिप्लाई करने के बाद भी फिर वही कमेंट आते हैं। ये बन रहा है मेरा चीला और ये एक तरफ बना रही हूँ मैं करेले। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ अब लंच के लिए भिंडी प्याज वाली। तो प्याज भी देखिए मैंने चॉप कर लिया और साथ में ही बना रही हूँ मैं ये करेले। और फ्रेंड्स, ये बना रही हूँ मैं हिटलर हस्बैंड जी के लिए सॉस, क्योंकि हिटलर हस्बैंड जी को थोड़ी सी तो वो बाजार की सॉस खाते हैं तो उनका गला ख़राब होता है, क्योंकि उसमें लाल मिर्च, सोया सॉस और विनेगर वगैरह डाला होता है। तो ये मैं नॉर्मल बना रही हूँ, सिर्फ थोड़ी सी चीनी डालूंगी, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च से ही बनाऊंगी बस, क्योंकि उनके गले में सब प्रॉब्लम हो जाती है और उनको जो किसी चीज़ के साथ खाने के लिए सॉस चाहिए होती है। तो मैं बना रही हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, मेरी नोना बेबी उठ चुकी है और ये बन रहा है उसके लिए ब्रेकफास्ट। लंच के टाइम पे ही उसका ब्रेकफास्ट होता है, तो चलिए अब उसको देते हैं। व्हाइट वाला नहीं बनाया क्या? चेंज बनाया, पिछली बार व्हाइट बनाया था तो तूने कहा था मम्मी बेसन का सोच रही थी, मैं तो आज बेसन का बना दिया तो पता ही नहीं मेरे बच्चों का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हिटलर हस्बैंड जी का हो रहा है ब्रेक लंच, भिंडी एंड करेला। ये डाइट है, डाइट फूड ही है। ठीक फ्रेंड, देखिए स्पेशली मैंने अपनी नोनू के लिए पीसी है हरी चटनी, ताजी ताजी ताजा मैं धनिया तोड़ के लाई खेतों से, उसके बाद बनाई है। तो फ्रेंड्स, ये आया है बर्थडे गिफ्ट दीक्षा जी के लिए, रवि कुमार जी ने भेजा है। तो ये देखिए रवि कुमार जी, आपका गिफ्ट आ चुका है और ये दीक्षा खोल रही है अपना गिफ्ट। ये क्या है? आई थिंक कुशन है ये। ये वैक्यूम पैक करा हुआ है जैसे हम लोग करते हैं ना, इसको खोलेगी तो ये फूल जाएगा। फूल जाएगा? हाँ। अच्छा, अभी फुला के देखेंगे। ओ मग, मग दीक्षा तेरे ग्रीन टी पीने के। ये इसका कवर है कुशन का, कितना प्यारा है। ओ, और ये की रिंग, ये देखिए बेस्ट सिस्टर का कवर है। हाँ, अरे वाह, नाइस। इस पर भी सिस्टर लिखा है, बेस्ट सिस्टर एवर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बेस्ट सिस्टर। चलो, एक मग और आया चाय पीने के लिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम चाय के दीवाने हैं, तो एक मग और आ गया, एक मग और आ गया। चाय 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 चाय, तू भी क्या चीज है, एक बार पीऊं तुझे लग। और उनको ये भी पता है कि दीक्षा को घूमने का बहुत शौक है, इसलिए चाबी के लिए कीचेन दे दिया, और सोने का बहुत शौक है इसलिए कुशन दे दिया कि कुशन लगा और सोती रहे बस। थैंक यू सो मच। तो रवि कुमार जी, कम से कम ऐसे गिफ्ट ना दो इसको जिसकी आदतें मत बिगाड़ो, क्योंकि इसको वैसे ही बहुत चाय का, कुशन, सोने का और घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। तो थैंक यू सो मच रवि कुमार जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ चाय एंड स्वीट मॉम सो रही है और उनको नहीं पता कि चाय बन रही है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इधर को मैंने चाय बनाई है और स्वीट मॉम सो रही है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी, चाय रेडी है। मैं कह रहा हूँ सो रही हूँ अभी, तो पी लो अब। देखो मैं घर लेके सो रही हूँ, तो चाय लेके आई है। फ्रेंड्स, मम्मी चाय रेडी है। आंखों में लाइट लग रही है, मैं सो रही हूँ। पापा लाइट जला रहे हैं। तेरी माँ मर भी रही होगी ना तो कहेगी भगवान रुक जाओ, चाय पी ला दो। चाय पी लूँ मैं फिर मरूंगी। मम्मी चाय के साथ रस आ गए? नहीं आए, मेरे दांत
तो हड्डियों में बहुत दर्द है। हड्डियों में दर्द है? चलो बन गई क्या सच में? हाँ मम्मी और चाय इज रेडी। नींद से उठा के चाय दे रही, जब मैंने कहा था दी नहीं दी। और मैं सो गई थी गहरी नींद, अब तो बचा लिया था। ये सारा बेड गद्दे छप गए आपके मुंह पे। मैं बहुत गहरी नींद थी, पता नहीं कहाँ कहाँ सपनों में कौन कौन दिख रहा था मुझे। मैं दिखी नहीं दिखी? अरे नहीं पता नहीं क्या क्या बाल बाल दिख रहा था। हो गया अब मैं चाय पी लू। चाय के साथ क्या चाहिए? गुड्डे। गुड्डे केक खत्म हो गए क्या सारे? फ्रेंड्स गुड्डे गुड्डे केक आए तीन थे। हाथ आई आशु को क्यों फोन करना है? कर रही हूँ। आशु आ रहा है थोड़ी देर में, थोड़ी देर में आ रहा है। ट्राई गुल्लू को पकड़ लो। मैं ईसा कोई काम ना कर रही, मैं तो कुंडी खोल रही हूँ। गुल्लू देख नानी बुला रही है तेरे को। लो गुल्लू बैठ। गुल्लू बैठ नीचे देख, अम्मा बुला रही है। नानी बोले कहाँ गया? फ्रेंड्स इसको नीचे बैठना बहुत पसंद है क्योंकि ये बाहर देखती रहती है, सब आते जाते रहते हैं। गुल्ला छोटा बेबी। नानी पर शोई शोई कर ले है गुल्ला, नानी की खाट पे शोई शोई कर ले। फ्रेंड्स ये देखो गुल्लू, जहाँ जहाँ बॉटल वहां वहां गुल्लू। गुल्लू वो रही बॉटल, वो देखो नानी वो अब फ्लैश को देख रही है। गुल्लू आओ आओ इधर आओ, फोन पे आओ 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 आओ, आओ। फोन को पकड़ो पकड़ो। फ्रेंड आ गई। अरे मैं कहाँ जाऊं गुल्ला? अम्मा के यहाँ तो चूहे भी बहुत है। गुल्ला फोन ले ले। गुल्ला आ केना लग जाए इसके। अम्मा की खाट पकड़े। खड़े होने की कोशिश कर रही है गुल्लू। ये ले हमने मारने यार। कौन मारने ने हुए होते? बाबा था तो सोनी का सीढ़ी चढ़ती थी। जाती कर। अच्छा तो सोनी का वो कुछ ना कहो तो इस चक्कर में आपको डांटते थे हैं? सोनी का नाम मान लिया करती, बहुत बंगा करया करती। घर में पटेल नहीं है क्या? पटेल हमारे ससुराल वाले जो डिनर सेट दिया था वो है। मतलब घर में और हमारे यहाँ पटेल वगैरह कुछ नहीं है। तुम खा रही है? नहीं जो ससुर मना कर देते हो। ढेर लगा पड़ा है पटेल का हमारे घर में। वो तो मेरे मायके की है ना, मैं सोच क्यों खराब करूं उन्हें मंजवा मंजवा के, इसलिए है। क्या होगा मम्मी उनका फिर आगे जाके? देखिए तेरी दादी ने पता क्या करा था? क्या? सारे बर्तनों पे तेरे भाई का नाम लिखवा दिया। हाँ पता है। जब मैंने कहा कि अम्मा दीक्षा का, बोली ना छोरियों का नाम ना लिखवाते हम। बता अब उन प्लेटों में मेरे छोरे का नाम लिखा है, वो घिस ना जाए। वही छोरियां ही तो प्राउड फील कराएंगी। दादी ने ये के बेरा दादी नु बेरा करा के आओ। फ्रेंड्स ये देखो ये मोस्ट फेवरेट है, इसलिए रुका नहीं गया था, इसलिए बिना प्लेट के ही खाना शुरू। फ्रेंड क्या है बात, इसमें प्लेट की जरूरत ही नहीं है। और मेरे तो वैसे करेले बहुत फेवरेट हैं। कैसे करेले खा ले तो कड़वे से? तो मैंने जब करेले बन जाए तो मुझे क्या होता है, सब्जी की जरूरत नहीं होती। ऐसी कचालू मम्मी किसी ने चटपटे कचालू की रेसिपी दो ना सबको। मेरे घर से अभी कचालू आ नहीं रहे हैं, कोई सीजन में आते हैं। और अब बनाऊंगी मैं लोंजी, मेरी मोस्ट फेवरेट कच्चे आम की लोंजी। उसके आगे मुझे सब्जी की कोई जरूरत नहीं। फ्रेंड्स दही प्याज के आगे, छुकी हुई प्याज के आगे, वो मेरा बेटा खाता है खाली प्याज। ठीक है और ये हो गया आपका करेले, एक हो गया वो मूली के लच्छे के साथ भी, मूली के लच्छा, और एक वो अरे आलू गाजर है ना फेवरेट आलू गाजर। सारे पुराने वाले टेस्ट है।
तो माँ भी तो पुरानी है, माँ कौन सा नई है, अब का बोर्ड है थोड़ा है, 72 का मॉडल है माँ 72 का मॉडल, तो हमारे तो वही टेस्ट रहेंगे, वही समोसे कचौड़ी वाले। तुम्हारी तरफ पिज्जा पास्ता समोसे खाए बहुत टाइम हो गया। तो फ्रेंड मैं पिज्जा पास्ता सिर्फ टेस्ट के लिए ले सकती हूँ, मैं उसको खा ढंग से नहीं खा सकती। अपने तो वही पुराने समोसे और कचौड़ी। देखो हर चीज के साथ ढल जाना चाहिए, अब हमारा जैसे टाइम था इसमें हमारी भी गलती नहीं है। तो हम तो ढल गए, हम कब मना करते हैं, तुम खाओ। नहीं मतलब मैं तो हम भी चख लेते हैं ग्राही तो। नहीं मतलब मैं अपने लिए कह रही हूँ, हम लोग की जनरेशन में आई ये चीजें हैं, तो इसमें हम लोगों की भी गलती नहीं है। अब मुझे पता है मेरी बहनें भी यही खाती हैं, अब कितनी बार बच्चे पूछते हैं मुझे पता वो यही खाएंगी। हाँ हम लोग ना सारे बच्चे आपस में ना अपनी मम्मी को यही कहते रहते, बिल्कुल अपनी बहन पे गई हो, बिल्कुल अपने भाई पे गए हो, सारे के सारे हम लोग यही कहते रहते एक दूसरे को। फ्रेंड कहने की जरूरत ही नहीं, हमारे पापा ऐसे, हमारी मम्मी ऐसी थी और हम भी ऐसी हैं, पर हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। कल को ये नहीं कह सकते, एक हम कह रहे हैं हमारे मम्मी पापा का टेस्ट हमसे मिलता है, लेकिन मम्मी क्यों आपका मेरा टेस्ट नहीं मिलता खट्टा मीठा। हाँ वैसे तो मेरा और दीक्षा का काफी हद तक मिलता है आपस में, बहुत चीजों में मिलता है हम लोगों का टेस्ट, मेरा और दीक्षा का। ये ननिहाल पे गई है मेरे पे नानको पे। सुनो मैंने टेस्टी बनाया ना, पता नहीं कैसे बनाया, कभी तो हाँ बोल दिया करो, बीबी चुआनियों में चलेगी फिर याद रखा। अरे राखी करेले तो बहुत अच्छे बनाती राखी, टिक्की बना के खिलाती थी। चुआनी कौन सी होगी, चांदनी होता है, चांदनी चांदनी। बस बहू से कहोगे तेरी सास कचौड़ी बहुत बढ़िया बना के बनानी पड़े थी सही बात है, इंसान के जाने के बाद इंसान की कीमत याद आती है, लगती है। ये तो है भैया, यार स्माइलीज भी लगा दियो और चीज स्लाइस भी लगा दे। पापा के मत आइयो। क्या चीज स्लाइस क्यों? अरे इनको क्या करेंगे बुढ़ापे में, खाके चीज स्लाइस वेस्ट हो जाएगी। मेरे को खाने की अक्ल थोड़ी है, फिर पैसे खत्म हो जाएगा, फिर कहेंगे अरे अभी तो आया था लोटस का 1800 का बिल बन गया, अरे लोटस का 2400 का बिल बन गया। फिर जैसे तू ऐसे कह रही है, तू भर देती है, भर दे तो तुम ही हो, नहीं, नहीं, तू, बात कह रही हो भले ही नहीं, तू ही भरती है ना, तू तो ऐसे टोन मार रही है। चल निकू खिला दियो, तेरे बाप को भी क्या याद रखे, चल दे दियो चीज, कोई बात नहीं, एक स्लाइस बिल तो बेचारे यही देते हैं, कौन सा मैं लेके आती हूँ कहीं से, कोई बात नहीं खिला दिया। शुक्र है अभी मैं बिल भरता हूँ तब मुझे इतनी हाई तो खाने की। अगर मैंने बिल भरने बंद कर दिए तो क्या होगा, ब्रेड की साइडों के किनारा ना दो तब तो मुझे लग रहा है पापा की ये सीट भी चली जाएगी। ये मतलब साइडों के किनारे ना दे, हम किनारे ही देंगे फिर तुम्हें, तो किनारे कोई नहीं खाता ना। मुझे नहीं दोगे भले ही फेंकने पड़ जाए। नहीं नहीं दे देंगे, अब काजू खिला रहे, नट्टस खिला रहे, नट्टस तो आगे भी खिलाएंगे तुम्हें, नट्टस। जब बकरा हलाल करना हो ना, जब ही काजू मिलते हैं। अरे कहा तुम्हें, सारा दिन तो नट्टस देती हूँ मैं, चाय में भी नट्टस देती हूँ और मैंगो शेक में अलग देती हूँ। होते नट्स होते हैं, अब वही नट्स। मेरे को इंजी इंग्लिश आंदी है, इंजी मैथ्स आंदी है, जे इंजी इंग्लिश आंदी है। और फ्रेंड मुझे ये बताओ पहले क्या बोला था मैंने, बिरासी का मतलब है 82। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता रही हूँ, कई लोग अपने आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या है, तो मैंने बता तो दिया था उसको, 82। ये मैं समझ गया फ्रेंड, आंटी पढ़ी लिखी नहीं है आंटी पढ़ी लिखी है पर हिटलर अंकल आंटी को अनपढ़ साबित कर देते हैं। मुझे भैया ससुराल में तो आगे अच्छी अच्छी अनपढ़ बन गई, मेरी तो औकात क्या है। हाँ बोलो, मम्मी ने तो कुछ ना बनाया, हमने तो आज सैंडविच खाए हैं। सैंडविच खाए हैं, आप बताओ आप क्या खाओगे? डबल रोटी खा दी। हाँ डबल रोटी, आप क्या खाओगे? क्या खाऊं समझ में नहीं आ रहा, बताओ। खिचड़ी छुकवा दूं? ना नहीं खानी मैंने इतनी। ताई ने क्या बनाया है? ताई ने वो ही तो पूछ का, ताई से पूछू। अच्छा जरा सा कुछ मैं चिकना भी नहीं चाहिए, चिकनास का भी कुछ खाऊं खासी था। मैं ताई से पूछती हूँ वरना कहोगे तो खिचड़ी विचड़ी बनवा देती हूँ मम्मी से।
नहीं बिलात नहीं खिचड़ी पिचड़ी ताई बाहर आओ बाहर आओ ताई, अम्मा कुछ खाने के लिए मांग रही है। आपने क्या बनाया है ताई? अम्मा ताई ने छोले रखे हुए थे, चावल उबाल रही हैं। आप बताओ। थोड़े से चावल दे देगी उसमें बूरा, सिर्फ खाली चावल चावल बिना छोले के, बिना छोले के क्या क्या डाल के ताई? चावल और करारा डाल के दे दो, खाली चावल चावल है। उबल रहे हैं अम्मा, अभी अभी उबल रहे हैं, फिर देती हूँ। अच्छा याम गिरनी बुरी टोकरी में गिर दे ऊपर को जा ये फ्रेंड्स, ये मुझे समझ आ गया है, इससे पता चलता है ताई की टोकरी है, इसलिए ये पूंछ लगी है। अब मुझे समझ आ गया चीज़ें। क्या दूँ आपको? आशु कह रहा था मैं आऊँगा अभी, कह रहा था आऊँगा अभी, ले लो। नाटिया कह रहा था अभी आऊँगा थोड़ी देर में। चलो मैं ऊपर से लेके आ रही हूँ, बैठ जा, बैठ जा। बड़ा कर दे, बंद बंद कर दूँ? हाँ कर, बड़ा दे। हाँ अब हम वॉक पे जाएंगे। हैं अम्मा, अभी सोन की हमें बाहर मिलेगी, रास्ते में मिलेगी सोन की, सोन की हमें रास्ते में मिलेगी बिट्टू पे। आज हम लोग आ चुके हैं फिर से वॉक पे। ले लो ए सोनी का गोदी ले ले। मम्मी अब तो खत्म हो गया, अब तो पहुंच गए हम घर। आज तूने मुझे डिच करा, तू मेरी याड़ी थी ना, मुझे छोड़ के इसके साथ आ गई। अरे मेरे याड़ी ने मुझे डिच कर दिया सुबह की वॉक शुरू करके। चल चलने थी गई क्यों नहीं? अरे मैं भाग रही थी, मेरे याड़ी ने मुझे डिच कर दिया, हम दोनों तेज चलते थे। मेरे याड़ी ने डिच किया इसलिए ऐसा हुआ है। सोनिका ने मुझे करा डिच।